Are you guys ready to take off? Yes. हमारी जो है वो थर्ड वाली बोट प्राइवेट बोट, उस बोट में सिर्फ हम रहेंगे। बट पहले भी इतने लगेंगे। अरे वहाँ पर देख क्या खतरनाक चल रहा है। अभी हमने डिसाइड कर लिया, हम आग बुझाने में हेल्प करेंगे उनकी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आजा ब्रो, शायद ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। नीचे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सारी पैकिंग वैसे भी हो गई है, बस चाय ठंडी ना हो जाए इसलिए नीचे जा रहे हैं। पहले सुखी रहो, स्वागत रहो धीरज भाई। गुड मॉर्निंग। आपका चाय ठंडा हो गया। आया दोस्त, फटाफट उठा ले, चुस्की मिस हो जाएगी ना तेरी। जैसे लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है ना, वैसे चुस्की मिस हो जाएगी। नहीं, लोगों की तो फ्लाइट मिस हो जाती है भाई। हम लोग की अभी तक नहीं हुई है, हमारी फ्लाइट गलत बुक हो गई है। चेयर्स फॉर कोलकाता। हमारा जो रिटर्न फ्लाइट है वो 20 का था, लेकिन गलती से उसको हमने 15 का कर दिया। कल हमारा रिटर्न फ्लाइट था मुंबई जाने का। अब वो ऐसा टिकट था कि वो नॉन रिफंडेबल था, उसका एक रुपया भी नहीं मिला। पैसा वेस्ट। सेलिब्रिटी इज हियर। आई एम द ओनली वन हु इज रेडी। वी आर ऑल रेडी। तुम्हारा बैग का है? आ रहा है, अपने आप आ रहा है। ऑलरेडी रेडी। बैग का है? चाय पीने के लाया है। तेरी ऐसे हम ठंडा चाय थोड़ी पीते, हमको गर्म चाय चाहिए ना। चप्पल निकाला। जूते निकाल के मैं चप्पल पहन लूंगा, क्योंकि गाड़ी में जूते पहन के क्या करेंगे, कंफर्टेबल होके बैठते हैं। चलो फिर अपने अपने खुदा का नाम ले लो, जर्नी शुरू हो रही है। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा कोई भगवान है? हाँ, किसी को मानती है तू? नास्तिक। इसलिए मैं हंस रही थी, मैं किसका नाम लूं। गणपति बप्पा बोल। गणपति बप्पा। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। अरे तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं सब पे करती हूँ, तो मैं किसका नाम लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। किसी एक पे करना चाहिए तो सब पे करती, यही डाउट है मेरे को। अभी धीरज भाई कह रहे थे कि आप थोड़ा यहाँ पर गाड़ी चलाओ, मैंने कहा कि कोलकाता से बाहर निकाल के दो फिर मैं चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल है ना वो समझ नहीं आ रहे। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं सिग्नल कहाँ पर है, कहाँ से देख के निकलोगे आप? वो सिग्नल है, येलो कलर का बोर्ड है उसके नीचे, वो सिग्नल तो उनका होगा ना। ये सिग्नल यहाँ का भी है। शिट, ये बहुत कंफ्यूजन है यहाँ। बहुत कंफ्यूजन है, आदमी जो यहाँ पर रहता है उसी को मालूम है। थोड़ा इनके साथ बैठ के घूमूंगा ना तो मेरे को समझ में आएगा कि कैसे कैसे सिग्नल यहाँ पर काम करते हैं। हम सिग्नल में रुके हैं और हमारे बाजू में देखो क्या है, ट्राम। अरे ट्राम में हमारे एसआरके सर, अक्षय कुमार, अजय देवगन। दूर से बस जैसे लगता है ये। ओ सही था, आमने सामने दो ट्राम। कोलकाता का जो हेरिटेज है ना वो अभी भी जिंदा है। अभी हम रुके हैं फ्यूलिंग के लिए। अभी उसको देखो, उसका देखो कहाँ से खुलता है। वाह इंटरेस्टिंग है। पेट्रोल का टंकी देखो उसका किधर से। ओके, सफर हमारा थोड़ा लंबा है, हमारा जुबान और दांत चलते रहे, इसीलिए क्या चाहिए तुझे? मंचीज़। ऑलमोस्ट हम कोलकाता के बाहर निकल ही गए, तो ये छोटा सा एक ठेला जैसा है वहाँ से लेंगे। ये वन वे तो नहीं है ना, भरोसा नहीं, दोनों तरफ देख के क्रॉस करने का। उसको देख, सारे चिप्स के पैकेट में इतना धूल बैठा हुआ है ना, बाहर रखे तो ले ले जो लेना। हमारी जर्नी वापस शुरू हो चुकी है, और जैसे जर्नी शुरू हुई हम गाने सेलेक्ट करके रखने लगे, क्योंकि मीटअप में हमें गाने चाहिए, तो सब मैं अपने जो फेवरेट गाने हैं धीरज भाई के मोबाइल में डाल रहा था ताकि हम स्टेज पर उसको बजा पाए। अभी हमारी जो जर्नी है वो 57 किलोमीटर की है, 11:12 में पहुंचा देगा जब मेरा ब्लॉग लाइव हुआ तब, और 1:55 लगेंगे। अरे अंकल जी क्या कर रहे हो रोड के ऊपर, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठेला ढेली कर रहे हैं। शाहरुख खान। रहा है कि सीखने इसमें मोशन हो रहा है मुझे, तो गाड़ी मैं चलाऊंगा अभी। अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो फिर उल्टी करूंगा। ओके बॉय, आर यू गाइस रेडी टू टेक ऑफ? यस। यात्री कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम उड़ान भरने वाले हैं। पीछे वाला भी बांध ले। चलिए इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आप अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए। हाँ मेरा भी सीट बेल्ट लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो धीरे धीरे चलाएंगे, इस गाड़ी को समझेंगे, और जैसे समझ में आ जाएगी तो फिर सीधा बे ऑफ बंगाल। करना क्या चाहते हो? Nice.
साहब वो स्लो ही नहीं हुआ। एक सुसु ब्रेक लिया गया है, हम लड़कों के लिए नहीं, हमारे साथ जो लड़की है उसके लिए। तो हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं। पेट्रोल पंप एकदम सेफ जगह है अगर लड़कियों को वॉशरूम जाना है तो। हो गया, फील रिलैक्स्ड? कभी एक्सपीरियंस करना है खेत का? या तो है। इतने टाइम से मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। मिसिंग ये है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं। जो हमारा टूटा हुआ ख्वाब था ड्रीम ट्रिप, उसका कुछ हिस्सा पूरा करने जा रहे हैं। जरा आप गेस करें कहाँ पर? बहुत इजी है, आजकल सबके पास गूगल, अरे अभी तो वो आ गया ना चैट जीपीटी, बता देगा। हिंदी में पूछना, हिंदी में भी बता देता हूँ। दुनिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? हम निकले कोलकाता से, कुछ दूर बाद कोलकाता खत्म हुआ, फिर टू लेन रोड मिले। रोड छोटे हैं लेकिन कहानियां यहाँ पर बड़ी बड़ी है। हर जगह पे एक कहानी हमें देखने को मिल रही है, हर रोड पे एक कहानी। जैसे यहाँ पर लोग ईंटें भर के लेके जा रहे हैं, कहीं पर एक आदमी बड़े बड़े दो बाम्बू ऐसे कंधे पे लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे, कहीं कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल के बच्चे। इस रोड पे मैंने बहुत कहानियां देखी, तो ऐसा मन किया कि बता दूं आपको। वेलकम टू सुंदरबन, थैंक्स फॉर विजिट। दुनिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन। सुंदर का मतलब, सुंदरबन का मतलब फॉरेस्ट, जंगल। और सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जहां जहां पर भी हम जाएंगे और वहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा तो हम विजिट करेंगे। तो लास्ट हम गए थे गुजरात, वहां पर हमने गुजरात के सारे यूनेस्को साइट विजिट किया। अब हम आए हैं सुंदरबन। पार्किंग लगाना होगा ना दिनेश भाई? हाँ, लेकिन मेरे को मेरे आदमी से बात करने, तो वो अपनी जगह पे लगाया। हाँ, हमारे पास आदमी है। कहाँ थे हम? गुजरात के सारे। सारे हो गए अभी। वेस्ट बंगाल में से भी एक ही है, वो है सुंदरबन। दो है, दार्जिलिंग ट्रेन। ओ हाँ, दार्जिलिंग ट्रेन। तो यार मैं तो उसी साइड था, मैं तो दार्जिलिंग एटा चौलबेन है। यार ये क्या सीन हो गया अब दार्जिलिंग? चलो ठीक है, फिर कभी कर लेंगे। आपके पास कोई जगह है या फिर यहाँ पे जो भी मिल रहा है उनके साथ कर दूं? ओके ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कहाँ पर करना है। डॉक्टर के सीधा लगा दीजिए। कितना है पार्किंग का फीस? पर डे 100 रुपया। जैसे आज हम गाड़ी रखेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे तो 100 रुपया लगेगा ना? आज सुबह के शाम तक, मतलब अगर कल हम आधा दिन भी रखे तो भी 100 रुपया लगेगा। दादा ये एरिया को क्या बोलते हैं? बहुत खाली, बहुत खाली। यहाँ पर सब पार्क करते लोग गाड़ी। गाड़ी पार्क कर दिया है, अभी यहाँ से हमारी जो रोड जर्नी है वो खत्म होगी। इसके बाद पानी वाली जर्नी, पानी जहाज में जाएंगे हम। ये जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है, जब ऊपर से कोई देखता है तो चीजें सेफ रहती है। एकदम 100% सेफ नहीं लेकिन 90% तक। ये गाँव वाले ही होंगे, इनके पास काफी जमीन जो है, अभी जमीन पार्किंग के लिए यूज हो रहा है तो अच्छा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक इनकम जनरेट हो जाता है। मेरे गाँव में जो देखा है ना मैंने, पैसे कमाने के लिए जो लोग एफर्ट देते हैं उस हिसाब से ठीक है। अगर गांव गांव में टूरिज्म बढ़ेगा तो और ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो हमारी जो है वो थर्ड वाली बोट, प्राइवेट बोट, उस बोट में सिर्फ हम रहेंगे। यूजुअली जब लोग घूमने के लिए आते हैं तो सब एक ही बोट में होते हैं, क्योंकि आप लोग की मोहब्बत इतनी मिलती है हमें, इसीलिए हमें प्राइवेट बोट मिल रहा है। बाप रे बाप, यहाँ पर ट्रैफिक लग गया है। चलो चलो चढ़ो, इधर से, इधर से ही। तुम पहले जाओ, हाथ तो आया। बढ़िया गुरु, अलग एक्सपीरियंस है ये। तो अभी ये नदी है ना, तो ये नदी समंदर से जाके मिलेगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आप लोग का जो प्यार मिलता है ना वो इतना मिलता है कि शुक्रिया अपन जुबान से नहीं कर सकता ऐसे। थैंक यू। बोट के कुछ रूल हैं, प्लास्टिक बैग नहीं लेके जाना है, ड्रोन नहीं लेके जाना है, कुत्ते को फीड नहीं करना है, कचरा नहीं करना है, बंदूक नहीं चाहिए। निकाल दे बंदूक इधर से। निकाल, रख दूँ क्या बंदूक? हाँ। अब क्या करेंगे? जाने दे, बताना ना किसी को। शराब? ओह शिट, शराब निकाल सत्या? दे। नो स्मोकिंग, नो डाइविंग, फोटोग्राफी, मछली नहीं पहनना, थूकना नहीं है, आग नहीं लगाना है। आदमी भी बैन है भाई, आदमी बैन, कुत्ता बैन, सब तो बैन कर दिया। अब क्या करें इसमें? इसका क्या क्या लिखा हुआ बंगाली में? ये पूछते हैं ना, आदमी बैन है तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? औरतें अलाउड है यहाँ। मैं उसमें से वो पॉज वाला कर सकती हूँ, एक मुंह बना के खड़े हो जाऊंगी। मुंह भी बनाने आता है? ऐसे मुंह बना,
इधर ड्रोन देख लिया, यहाँ पे तो आदमी भी अलाउ नहीं है बोल रहे। ये क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है जो इलाका रिस्ट्रिक्टेड है उसके अंदर घुसना मना है। और ये कैमरा पानी के नीचे जो फोटोग्राफी होता है वो नहीं, वो मना है। सुमंद्रा दादा, दादा मेरे व्लॉग में आ जाओ ना। हाँ ठीक है, हम तो है, दो दिन तो है, दो दिन है, ये इन्हीं का बोट है तो ये दो दिन पूरा हमें घुमाएंगे, सुंदरबन दिखाएंगे। अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में हमें 2 घंटा लग जाएगा। हाँ, 2-3 घंटा लगेगा। बड़ा बड़ा सुंदर है आपका बोट। ठीक है ठीक, मजा आता है हमारा। ठीक है बैठिए आप, यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा व्यू है। इस बोट का नाम क्या रखे आपने? विद्रोही। विद्रोही जो काजू नजरुल इस्लाम थे ना, हाँ, जो उसका नाम पर है विद्रोही। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई किए थे उनको कहते हैं, उनको, हाँ, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी बोट पे। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट खा लेंगे हम। दादा ब्रेकफास्ट में क्या है? पूरी, पूरी। काफी इंटरेस्टिंग ये जर्नी हमारी होने वाली है। सुंदरबन में ना बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, तो हम सारे आइलैंड के बीच बीच में से होते हुए जाएंगे, एक नई चीज देखेंगे। और जब कोई नई चीज मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा अंदर, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या है कि नई चीजें अपने को जिंदा रखती है, तो अपने को जिंदा रखने के लिए मैं सुंदर बनाया हूँ। तो वो आइलैंड का नंबर बताओ ना, कितने आइलैंड है बताती, रुक जाओ पहले खाते। मतलब पता नहीं है ना, जब इंसान को नहीं पता होता तो ये कहते हैं। अभी तो बोला था तूने 70-80 कुछ, तो कई कई ऐसे 54 आइलैंड्स लिखा है, कई 122 आइलैंड्स है। तो वैसे मेरे को भी यहाँ के लोगों से कंफर्म करके तुमको इनको देना था। ये हाथ में क्या हुआ है तुम्हारे? चलिए जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम एक छोटे से आइलैंड में रुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगलो है यहाँ पर, ऐसा कह रहे हैं, तो वो देख लेंगे। अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ, जो हमारा राष्ट्रगान है उन्होंने लिखा है। और अगर किसी को ये ना पता हो कि राष्ट्रगान क्या है तो मैं बता देता हूँ, जन गण मन। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छा वो यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे ना, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कहाँ वो रहते होंगे। आ गए फिर से हमारे बोट के पास। क्या गर्मी है यहाँ पर, और गर्मी ऐसे कि पसीना छोड़ दे, इतनी ह्यूमिडिटी। लेकिन जब बोट चलती है तब नहीं लग रही, तब हवा लगता है ना। अभी हम एक जगह पे रुके थे ना इसीलिए, बट मजा तो आ रहा है। कितना पीसफुल है यार ये। पीसफुल इसीलिए है क्योंकि ये बोट अभी हमारी है। अगर यहाँ पर लोग होते तो इतना पीसफुल नहीं होता। हमने इतना खर्चा किया है और पूरा बोट हमने हायर किया है। ये बोट कितने का है? 1 करोड़? कितने का? 20 लाख। 20 लाख का होगा। जितने की हमारी टाइगर है उतने का बोट है ये। तो अगर आप बोट हायर करोगे तो फिर ये मजे ले सकते हो, शांति एंजॉय कर सकते हो, जिसमें ना तुम्हारे फोटो में कोई आ रहा है। तुम आराम से रील बनाओ, आराम से फोटो खींचो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपना पर्सनल स्पेस, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत पसंद है। जितने हॉल्ट लेने ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते, जितना टाइम रुकना है उतना रुक सकते हैं। बट पहले भी इतने लगेंगे। यहाँ बैठ के सुकून से हम ये व्यू का मजा ले रहे थे। थोड़ी देर पहले फ्राइज आया, अभी जस्ट चाय आया है। तो जब चाय आता है तो चाय की चुस्की तो बनता है। ये तो ये नाटक करेगी। मजानी लाइफ। और अभी जो मौसम है वो बदल गया है, बादल है कि क्या है पता नहीं है, लेकिन अभी धूप नहीं लग रही है, अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बट देखते हैं, जुड़े रहे। मैंग्रोव्स की जो जड़ें हैं देखने में कितना मस्त लग रहा है। टाइगर दिख जाए, यहाँ टाइगर दिख जाए तो रिवर्स गियर मारेंगे अपन। अगर यहाँ दिख गया तो हम बहुत लकी हैं कि आपके टाइम ही दिखे, लेकिन यहाँ दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर पब्लिक है, और जहाँ पर टाइगर है वहाँ पर इंसानों का अलाव नहीं है। पहुँच गए हम अपने आइलैंड। इस आइलैंड का नाम पता है क्या है? बाली। बाली आइलैंड, हम बाली पहुँच चुके हैं। ला मेरे को दे दे लंच। अगर तू यहाँ पर गिर गई ना मैं मान जाऊँगा, तेरे को नहीं मानना मेरे को। इधर इधर गिरती। लाखों रुपये। शुक्रिया दादा, कल मिलेंगे। खाने के लिए भी इधर ही आने गए। अच्छा खाना इधर ही खाना हमें। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को लगा बोट छोड़ के हम। बोट हमारी है, वैसे भी है बोट हमारी, पूरा 2 दिन बोट हमारे साथ। बाली, हाँ उधर इंग्लिश में पढ़ के बता रही है ना। इधर
अरे बाली यूथ हॉस्टल, बाली लिखा है तो समझ में आ रहा है, वो हॉस्टल नहीं है, वो कुछ और है। दादा क्या लिखा हुआ है ये? आवास लिखा हुआ है ना? हाँ, वो हॉस्टल नहीं, वो आवास है। इतना थोड़ा थोड़ा बंगाली समझ में आता है मेरे को। हमारे इस हॉस्टल में यहाँ पर एक लेक है, तालाब, पोखर, वहाँ पर एक पोखर है। इस ये एक्चुअली हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हम नहाएंगे। जो भी सांप बिच्छू होंगे उनके साथ हम, तो तेरा प्राइवेट है, लड़कियों के लिए ये है। हाँ, ये लड़कों के लिए, और ये जो भी मैंने बोला मजाक है। तो एक्चुअल में नाम यहाँ हम पढ़ सकते हैं। ये क्या है? इसका मुंह दबेला है। अरे ये तो पूनम जैसी शक्ल है। ये है क्या? अबे सूंग मत, कीड़े वीड़े जाएंगे नाक के अंदर, तड़पते रहेगी मछली की तरह। क्या है ये नींबू? इतना बड़ा नींबू होगा क्या? हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अरे रहने देना तू, नहीं 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 नहीं, चल तू आगे। बिल्ली लोग की तरह सूंघती रहती है। आग लगी के लगाई है? लग गया है, काम कोई काम कर रहा था, काम करते करते थोड़ा सा चिंगारी फैल दिया था, चल गया, सूखा था ना पूरा। ये है हमारा हॉस्टल का कमरा, ये बाहर का लिविंग रूम। यहाँ पर एक कमरा है, काफी बड़ा कमरा है, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक रूम है, बड़ा रूम। और रूम के बाहर बालकनी है, और बालकनी के सामने आग लग गई है, बुझा रहे हैं, बस यहाँ तक ना आ जाए। हम भी मदद कर देंगे बुझाने में उनकी। अरे वहाँ पर देख क्या खतरनाक चल रहा है। चलो भाई, अभी हमने डिसाइड कर लिया, हम आग बुझाने में हेल्प करेंगे उनकी। हम खुद आग है, वो अलग बात है, लेकिन आग आग लोहा लोहे को काटता है, आग आग को बुझाएगा। अरे उससे भी हो जाएगा ना। और एक जग ले ले, मार के यहाँ जा। वेल डन बॉयज, वेल डन। आग बुझा तो दी हमने, लेकिन जूते जल गए हमारे। इसके तो काले पता नहीं चल रहा, उसके वाइट है। मैं तो पूरे काले हूँ। ठीक है, बड़े दिनों बाद तो अच्छा काम करके अच्छा लगा। जूते साफ करते हो। ये इसके आत्मा में घुस गया है। अभी टाइम हो रहा है जी 4, हम लोग बोट पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आ गए अपने बोट पे, क्या बात है दादा। मछली है क्या खाने में? हाँ, क्या बात है, इधर ही का मछली है। हाँ, रोई माछ बोला। वाह, सैलेड वेरी इंपॉर्टेंट। भात, इसको क्या कहते हैं? आलू भाजा। आलू भाजा, आलू भाजा, दाल चावल, आलू भाजा, मछली, इतना बड़ा प्रॉन। दादा ये सारा खाना बोट पे बनाया आपने? बिस्मिल्ला कर लेते हैं। नाइस डांस मूव। अभी रात के बज रहे हैं 10:45 बोले तो 10:45। खाना खा के हमारा हुआ है वॉक कर रहे हैं, जो खाया था उसको पचा रहे हैं, और प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, अच्छी बात है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, तो हम क्या थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ अंधेरा है वहाँ पर तो जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। नेचर साउंड वहाँ पे पिच ब्लैक है, पिच। बढ़िया, आई होप ये ब्लॉग आपको देखने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो आप भी इसे लाइक करके हमें मजा दे सकते हैं। बाकी सब एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। Have a take care, khuda hafiz, live life, live dream. पेट्रोल पंप सेफ जगह है लड़कियों को, यू नो, सुसु करने के लिए। उसको क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप सेफ जगह है अगर लड़कियों को सुसु वर्ड के अलावा और क्या है? वॉशरूम, वॉशरूम। हाँ।